विधि को हम पढ़ चुके हैं, तो जैसा कि हमने देखा अभी जो है गुणनखंड विधि हमने जो है पढ़ लिया है। अब आ जाते हैं अगली विधि पर, भाग विधि। भाग विधि को ही पंक्ति विधि कहते हैं, ठीक है। जो हमने मस अज्ञात करने की पंक्ति विधि सीखी है वही लस अज्ञात करने की भाग विधि बन जाती है। तो आ जाते हैं भाग विधि को देखते हैं और एग्जाम्पल इस पर भी हम देख लेते हैं। अगर हम उसी संख्या की बात करें जो अभी जस्ट हमने जो है सवाल बताया 15, 18, 24, 27, 36 की, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि 15, 18, 24, 27 और 36 का लस हमें ज्ञात करना है किस विधि से, भाग विधि से। लस भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए भाग विधि क्या करना होता है, भाग विधि में सर्वप्रथम क्या करते हैं, दी गई संख्याओं का एक ही पंक्ति में लेकर गुणनखंड करते हैं, ठीक है। अभीष्ट गुणनखंड ही लस कहलाता है, बहुत ही सिंपल और सरल विधि है ये। तो हम क्या करेंगे, दी गई सभी संख्याओं का एक ही पंक्ति में लिखकर गुणनखंड करेंगे। 15, 18, 24, 27, 24, 27 और 36 सबको हमने एक पंक्ति में लिख लिया, इनका गुणनखंड करना है। तो चलिए काट लेते हैं, देखते हैं 24 है ये, और जो है सबसे काटते हैं, सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे, 15 विभाजित नहीं होगा, 18 कट जाएगा, 2, 9, 18, 24 भी कटेगा, 12, 2, 9, 24 हो जाएगा, 27 कटने वाला नहीं है, ठीक है। 36 भी कटेगा 2 से, 2, 1, 2, 2, 8, 16 हो जाएगा। 2 से हम तब तक काटते रहेंगे जब तक 2 से कोई एक भी संख्या कटने लायक रहेगी। 15 नहीं कटेगा छोड़ देंगे, 9 नहीं कटेगा छोड़ देंगे, 2 6 12 हो जाएगा, और 27 नहीं कटेगा इसको बिल्कुल ऐसे रहने देंगे, 2 9 18 हो जाएगा। अभी 2 से कटने लायक एक संख्या 6 बाकी है, बाकी सबको वैसे लिखें, 2 3 6 और 27 हो गया, 9 हो गया। अब 2 से कटने के लिए कोई भी संख्या नहीं है, अब हम 3 से काट के देखते हैं। 3 5 15, 3 3 9 और 3 1 3, 3 9 27 हो जाएगा ये, ठीक है, और ये हो जाएगा 3 3 9। 3 से कटने के लायक जब तक कोई एक संख्या भी रहेगी तब तक हम 3 से काटते रहेंगे, 5 कटेगा नहीं, 3 1 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो गया, 1 तो था ही, 3 3 9 और 3 1 3, फिर 3 से विभाजित होगा, 5 नहीं कटने वाला, 1 है 1 है, 3 1 3 और 1 है, फिर जो है हम 5 से काट देंगे और सभी संख्याएँ क्या हो गई, 1 आ गई, क्लियर है, ठीक। ये जो आया गुणनखंड, ध्यान दीजिए भाग विधि ही पंक्ति विधि होती है। तो हमने क्या कहा, भाग विधि में अभीष्ट सभी संख्याओं का जो है एक ही पंक्ति में लिखकर गुणनखंड कर लेते हैं, अभीष्ट गुणनखंड ही संख्याओं का लस कहलाती है। तो अभीष्ट गुणनखंड ही, तो लस बराबर सभी गुणनखंड ही लस की श्रेणी में आ जाएंगे। 2 गुणते 2 गुणते 2 तीन बार है, 1 2 3 और फिर 3 गुणते 3 गुणते 3 और फिर लास्ट में क्या है, गुणते 5 है ये। अब इनका जब गुणा करेंगे तो वही 10 80 अभी हमने ज्ञात किया था, 10 80 ही आएगा। तो अभीष्ट संख्याओं का लस हमने किस विधि से ज्ञात किया, भाग विधि से, तो उससे भी जो है 10 80 ही आया। गुणज विधि क्या होती है, गुणज विधि को छोटे में समझिए। अगर मैं कहूँ 2 6 12 का लस, 2 6 12 का लस ज्ञात कीजिए, ये एग्जाम्पल है, ठीक है। और वो भी किस विधि से, गुणज विधि से जो है लस ज्ञात करना है। तो देखिए करना क्या होता है, गुणज विधि में सभी संख्याओं को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। सभी संख्याओं के हम क्या निकाल लेते हैं, गुणज निकाल लेते हैं। और हमने एक चीज़ जाना है गुणज को ये जाना है कि गुणज जो होता है किसी भी संख्या का गुणज उसके पहाड़े में होता है। तो गुणज ज्ञात कर लेते हैं सभी संख्या का, गुणज क्या पहाड़े में होता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8, 2 5 10, सॉरी, और ये 12 14,
इसी प्रकार से हम गुणज ज्ञात करेंगे, छः का ज्ञात करते हैं, छः का छः, छः दूनी बारह, छः त्रिक अट्ठारह, छः चौक चौबीस, इसी प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं। बारह का ज्ञात करते हैं, बारह इक्का बारह, बारह दूना चौबीस, बारह तिया छत्तीस, बारह चौक अड़तालीस, इसी प्रकार से हम जो है इनके गुणज ज्ञात कर लेते हैं। देखिए गुणज की प्रॉपर्टीज़ में मैंने ये बताया था कि किसी भी संख्या का गुणज ज्ञात कितनी संख्याएं होती है ये ज्ञात कर पाना असंभव है, कि किसी भी संख्या के अनगिनत गुणज होते हैं। अब देखिए गुणज विधि ये हो गया कि लस हमें निकालना है, गुणज विधि से संख्याओं का हमने गुणज लिख लिया, अब हमें निकालना है लस। तो ध्यान दीजिए, अब अगर हमें लस निकालना है तो क्या होता है, लस की परिभाषा, दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का लस वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे समस्त संख्याएं विभाजित कर देंगी, जिसे समस्त संख्याएं। तो क्या कहता है लस, मतलब सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्तक। ये देखिए लस की परिभाषा देखिए, है ना, कहता है लघुत्तम, लघुत्तम मतलब छोटा होना चाहिए, समाप लघुत्तम समापवर्त, ठीक है, समापवर्तक मतलब गुणजों में सबसे छोटा ना, लघुत्तम होना चाहिए, गुणजों में सबसे छोटा होना चाहिए समापवर्त, कामन गुणज समापवर्त, कामन गुणज। तो कामन गुणज अगर हम देखें तो सबसे छोटा कामन गुणज क्या है, सबसे छोटा दो हो नहीं सकता, दो यहाँ है इसमें नहीं है, छः इसमें है इसमें है, इसके गुणज में नहीं है। हम देख लेते हैं, ये देखिए बारह, बारह इसमें भी है, बारह इसमें भी है, बारह इसमें भी है। सबसे छोटा गुणज जो कामन है सभी में वो है बारह, और जो सबसे छोटा गुणज है वही हो जाएगा हमारा आंसर, कामन गुणज ही। आगे अगर हम पढ़ते चले जाएंगे तो 24 इसमें भी आएगा, दो के पहाड़े में भी 24 आएगा, 24 इसमें भी है, 24 इसमें भी है, मिलने के लिए और आगे बहुत संख्याएं कामन मिलेंगी। इनके गुणजों में दो के गुणज हैं, छः के गुणज हैं, बारह के गुणज हैं, इनके गुणजों में बहुत सी संख्याएं जो है कामन मिलेंगी। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें कि सबसे छोटा कामन गुणज तो ये बारह ही है, तो गुणज में, गुणज विधि में सबसे छोटे गुणज को ही हम संख्याओं का लस ज्ञात कर लस बताते हैं, लस होता है। अब देखिए लस को ज्ञात करने के लिए जो है हम कुछ इबारती प्रश्नों को जानते हैं, क्योंकि ज्ञात करने की सारी विधियां हम जान लिए हैं, तो अब हम बात करते हैं इबारती प्रश्नों पर। अब इस प्रश्न को देखते हैं, देखिए इसमें कहा गया है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए, मतलब वो छोटी से छोटी। ध्यान दीजिए हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि हमसे पूछ क्या रहा है, क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो पूछ रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, मतलब कोई छोटी सी संख्या है जिसे, मतलब उस संख्या को 12, 18, 24 विभाजित कर जाएंगी, हमें वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे ये तीनों संख्याएं विभाजित कर देंगी। तो हमें पता चल गया ज्ञात करना है, क्या पता चला, परिभाषा पे जाइए, लस की लघुत्तम समापवर्तक की परिभाषा क्या कहती है, दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं का लस वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे संख्याएं विभाजित कर जाएंगी। तो अगर ये चीज़ समझ में आया है तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इस पूरे सवाल का सेंस ये निकल रहा है कि हमें कह रहा है लस ज्ञात करने के लिए किसका, इन तीनों संख्याओं का, यही तो कह रहा है। तो चलिए देख लेते हैं वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी इन तीनों का लस, तो वह छोटी से छोटी संख्या बराबर छोटी से छोटी संख्या बराबर, वह छोटी से छोटी संख्या बराबर हम कह सकते हैं 12, 18, 24 का लस। तो चलिए देख लेते हैं लस क्या आता है, लस क्या आएगा, लस लगाने की विधि अभी आपने जाना क्या होता है भाई, सबको एक पंक्ति में लिखिए 12, 18 और क्या कर लो 24, भाग विधि लगा लेते हैं। भाग विधि लस ज्ञात करने की भाग विधि सबसे बेटर विधि होती है, दो छंग 12 हो जाएगा, दो नौ 18, दो बरहम में हो जाएगा, दो तियाई 6 हो जाएगा, 9 हो गया, दो छंग 12 हो जाएगा, दो से तब तक काटते रहेंगे जब तक कोई एक संख्या भी कटने लायक रहेगी। अब तीन से काटेंगे, तीन इक्का तीन, तीन त्रिक्का नौ और तीन इक्का तीन, तीन से काटा हमने सभी जो है शेष क्या आ गए
एक आ गए। तो अब ये क्या होता है लस लगाने की विधि में, ये सभी गुणनखंड ही अभिष्ट जो है लस होते हैं। तो लस बराबर क्या हो गया भाई, दो गुणते दो गुणते दो, तीन गुणते तीन हो गया, दो दुनी चार दुनी आठ, आठ त्रिक चौबीस और चौबीस तियाँ कितना हो गया, बहत्तर। हमारा उत्तर क्या आ गया, बहत्तर आ गया। अब हमसे पूछा क्या था, वह छोटी छोटी संख्या बताओ जिसे ये सभी संख्याएं काट देंगी। ये देखिए, बारह छंग बहत्तर, अठारह अठारह चौक बहत्तर, और ये हो जाएगा चौबीस, चौबीस तियाँ बहत्तर, चौबीस 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 उनतालीस चौतीस बहत्तर। ये तीनों संख्याएं जो है बहत्तर को विभाजित कर दे रही हैं, अर्थात इन तीनों संख्याओं का लस ये है और वह छोटी से छोटी संख्या भी यही है जिसे ये काट लेंगी। ये बहत्तर इन संख्याओं का गुणज है, सबसे छोटा कामन गुणज है इन संख्याओं का, क्योंकि गुणज विधि भी तो अपने आप भी जाना है, जस्ट अभी जाना है। तो चलिए आगे एक सवाल और हम देख लेते हैं, इस प्रश्न पर बात कर लेते हैं। देखिए कहा गया है, तीन मित्र ए बी सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक साथ एक ही जगह से दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24 सेकेंड 30 सेकेंड सॉरी 24 सेकेंड 36 सेकेंड और 30 सेकेंड में पूरा करते हों तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। ध्यान दीजिए, पहले तो हमें ये देखना है, ठीक, ये देखना है कि ये सवाल जो दिया है इसमें करना क्या है, ज्ञात क्या करना है, लस ज्ञात करना है कि मस ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम तो हम ये जानेंगे, अच्छा एक चीज़ और रही, ये रही बात सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी सवाल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करिए, उस सवाल को एक बार दो बार तीन बार पढ़िए। सवाल बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या करिए, एक बार दो बार तीन बार पढ़िए, और तीन बार अगर आप पढ़ लेंगे तो उसका आधा सॉल्व आपको पढ़ते ही आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं एक बार दो बार और तीन बार पढ़ के देखते हैं क्या हमें ये समझ में आया है कि इसमें ज्ञात क्या करना है। तो हमने क्या किया, तीन मित्र ए बी सी हमने सवाल को पढ़ा, आराम से पढ़िए शांति से टाइम लेकर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तीन मित्र ए बी सी एक साथ वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द, मतलब चारों तरफ एक साथ एक जगह से ही दौड़ रहे हैं, कोई स्टेडियम है उसके चारों तरफ तीन मित्र हैं ए बी सी, वो दौड़ प्रारंभ करते हैं, ठीक है, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में उनको जो समय लग रहा है, एक चक्कर लगाने में उन तीनों को जो क्रमशः समय लग रहा है, मतलब ए को समय लग रहा है एक चक्कर लगाने में 24, बी को 36 सेकंड, सी को 30 सेकंड लग रहा है, उसे स्टेडियम के चारों तरफ एक चक्कर के लिए इतना टाइम लग रहा है, पूरा करते हैं। कितने समय बाद वो प्रारंभिक स्थान पे जहाँ से वो शुरुआत किए थे दौड़ना, जहाँ से वो शुरुआत किए थे दौड़ना, कितने समय बाद वो फिर से मिलेंगे, कितने समय बाद मिलने के लिए ध्यान से समझिए, कितने समय बाद, मतलब हमें वो कम से कम समय बताना है। मतलब मान लो कि अगर मैं कहूँ कि तीन मित्र जस्ट अभी एक वृत्ताकार स्टेडियम के जस्ट जो है चारों तरफ तुरंत के तुरंत अभी के अभी दौड़ना प्रारंभ किए हैं, ठीक है, और पहले वाले को 24, दूसरे वाले को 36, तीसरे वाले को 30 सेकंड लगता है, तो बताओ फिर वो पुनः कब मिलेंगे। मतलब हमें वो कम से कम टाइम बताना है ना, कम से कम समय में वो कब मिलेंगे फिर से उसी जगह। मिलने के लिए अगर वो दौड़ते रहे दो घंटे तीन घंटे चार घंटे पाँच घंटे दौड़े तो कई बार मिलेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले कम से कम पहली बार कब मिल रहे हैं, कम से कम समय वाला। तो कम से कम का मतलब क्या हो गया कि हमें निकालना है क्या, लस निकालना है, लस निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक, कम से कम समय निकालना है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मिलने का वो जो टाइम है वो क्या है, टाइम तो नहीं पूछा है, समय पूछा है कितने समय बाद मिलेंगे, है ना, कितने समय पर मिलेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु पर मिलने का जो समय होगा, है ना, प्रारंभिक बिंदु, बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु पर तीनों, है ना, कह लीजिए तीनों एक साथ मिलेंगे,
मिलेंगे, हम ये कह सकते हैं बराबर। कब मिलेंगे भाई? तीनों का क्या दिया है? 24, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 30 सेकंड, 24, 36, 30 सेकंड, इतने का लस है, इतने का लस है याद कर लो। वो तीनों एक साथ मिलेंगे, 24, 36, 30 का लस ही होगा, उनके एक साथ मिलने का जो समय होगा। तो हम लस ज्ञात कर लेते हैं 24, 36, 30 का। तो चलिए लस ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ देखिए 24, 36, 30, पंक्ति विधि अर्थात भाग विधि लगाइए, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 15 हो जाएगा कट के, 6 होगा, 9 होगा, 15 कटने वाला नहीं है, 2 से कटेगा, 2 तियाई 6, 9 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 इक्का, 3 त्रिक्का, 3 पचे, अब 3 से कटेगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और ये 5, अब फिर लास्ट में 5 से। चलिए देख लेते हैं इनका लस आया क्या। 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 2 = 8, 8 × 3 = 24, 3 × 72 और 5 हो जाएगा 72 और ये हो गया 5। और फिर कर लेते हैं 5 × 2 = 10, 1 आएगा, 5 × 7 = 35, 1 × 36। अब 360 अगर हमारा आया तो ये किस में आया, 360 सेकंड में आएगा। 24, 36, 30 की अगर हम बात करें, 24, 36, 30 की, तो 24 सेकंड, 36 सेकंड, 30 सेकंड में था, तो जो हमारा उत्तर आया वो भी हमारा किस में आया गया, उस भी किस में आएगा भाई, सेकंड में आएगा। अगर मैं कहूँ, ध्यान दीजिए यहाँ, अगर मैं ये कहूँ कि 1 मिनट = 60 सेकंड, ठीक है, 60 सेकंड, तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकंड बराबर कितना मिनट, 1/60 मिनट होगा कि नहीं। ये देखिए 60 को हमने पक्षांतर किया, इधर 1 सेकंड बचा, तो 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट। वैसे ही जब 1 सेकंड बराबर इतना, इसलिए हम कह सकते हैं ना, या कह सकते हैं 360/60 का भाग देने पर मिनट में बदल जाएगा। और ये हम काट लेते हैं 6×6 = 36, 6 और ये आ गया मिनट में, 6 किस में आ गया, मिनट। कितने मिनट बाद मिलेंगे वो, 6 मिनट बाद वो तीनों जो मित्र थे, 6 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर एक साथ होंगे। इसका हमने लस लिया, लस आया 360 सेकंड आया, ठीक है, 360 सेकंड आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेकंड में है, अगर हम मिनट में बदलें तो 360 में 60 का भाग दे दिए, मिनट में बदल गया, 0 से 0 कट के, 6×6 = 36, 6 मिनट बाद वो पुनः जो है कम से कम समय में एक साथ अपने प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब आ जाइए अगले हम प्रश्न, अगले टॉपिक पर बात करते हैं, भिन्नों का लस और मस कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इस चीज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले हम 2 सूत्रों पर बात करेंगे, है ना। पहला क्या बात करेंगे, भिन्नों के मस पर या फिर लस पर, भिन्नों का अगर हमें मस निकालना है तो हम कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले एक सूत्र देखिए, अगर भिन्नों का मस पूछे तो क्या लिखिए, अंशों का मस / हरों का लस। दूसरा, अगर हमें भिन्नों का लस पूछ ले तो क्या करना है, भिन्नों का लस इक्वल टू हो जाता है अंशों का लस / हरों का मस। अगर इन दोनों सूत्रों में देखें तो बहुत कॉमन चीज़ है, जिसके जरिए जो है सूत्र को हम याद कर सकते हैं, वो है क्या, ध्यान दीजिए। अगर मैं कहूँ भिन्नों का मस जब हमें कहा तो हमने अंशों का मस ऊपर रख दिया, अंश / हर जानते हैं P/Q का रूप।
अगर पी बटे क्यू लिखा गया है तो ये क्या हो गया, ऊपर वाले जो संख्या है, अंक है, शब्द है, वो अंश हो गया, अब नीचे बटे में जो है वो क्या हो गया, हर हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, हर हो गया। तो चलिए देखिए, अगर भिन्नों का मस ज्ञात करना तो उसके लिए हमें यह सूत्र याद करना ज़रूरी है। क्या ज्ञात करना, अंश का मस बटे हरों का लस। जब मस पूछे तो मस को ऊपर रखिए, लस को नीचे रखिए, बाकी अंश और हर अपनी जगह रहेंगे। उसी प्रकार इसमें भी जब लस पूछे तो लस को ऊपर रखिए, मस नीचे आ जाएगा, अंश और हर अपनी जगह रहेंगे। अंश ऊपर होता है, हर नीचे होता है। जब कहे भिन्नों का लस है तो लस ऊपर, मस नीचे। अंशों का लस है, हरों का मस है। मस कहा, अंशों का मस है, हरों का लस है। दोनों में कॉमन चीज़ है, थोड़ा सा समझेंगे याद रहेगा। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगर एग्जाम्पल की अगर हमें बात कर दे तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल देखते हैं, देखिए कहा क्या गया है, एक बटे दो, दो बटे तीन, और आगे देख लेते हैं, एक बटे दो, दो बटे तीन, पाँच बटे छः और तीन बटे चार का, पाँच बटे छः और तीन बटे चार का हमें कह रहा है, ये कहा जा रहा है कि हमें निकालना है लस का, लस जो है ज्ञात करना है। चलिए प्रश्न है, अब हम बात कर लेते हैं कि इन प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व कैसे करना है ये चीज़ देखिए। अगर मैं कहूँ कि ये भिन्न दे दिए गए, एक दो तीन चार, चार भिन्न है और इसका हमें निकालना है लस, तो गणना कैसे करना है। सबसे पहले हम सूत्र पे जाएंगे कि हमसे लस पूछा है कि मस, मस का सूत्र ये होता है, मस पूछा गया है, सॉरी लस पूछा गया है, लस का सूत्र ये है। अब हमें करना क्या है, पहले अंशों का हमें क्या ले लेना, लस। तो अगर हम कहें कि चूँकि सॉल्व में अगर हमें सॉल्व करना हुआ तो हम कहेंगे चूँकि, चूँकि अंशों का, अंशों का लस पूछा है तो अंशों का लस लेने पर, लस लेने पर अंशों का लस क्या होगा, अंश क्या है, एक है, दो है, सॉरी पाँच है और तीन है का। अगर हमें लस लेना है तो एक दो पाँच तीन का लस क्या हो जाएगा, यहाँ हम देख रहे हैं ये सभी अभाज्य, अभाज्य के रूप में है, सबका गुणा ही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बगल में निकालें एक दो पाँच और तीन का तो ट्रिकी भी मेथड क्या कहता है कि भाई देखो क्या सबको काट रहे, नहीं गुड़ज विधि जो होता है। तो यहाँ अगर करेंगे तो एक आएगा, फिर दो आएगा, फिर पाँच आएगा, फिर तीन आएगा, क्योंकि एक से ये कटने वाला है, है ना, ये दो पाँच ऐसे रहेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल इस प्रकार से, फिर जो है दो से ये कट जाएगा, है ना, फिर पाँच तीन ऐसे रहेगा, फिर पाँच से कटेगा, फिर तीन ऐसे रहेगा, फिर तीन से कटेगा, है ना। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, ये सभी जो है लसक की श्रेणी में ही है। पाँच ये पंद्रह दुना तीस, एक का तीस हो गया। तो अगर मैं कहूँ अंशों का लस क्या आ गया ये। अब हम बात कर लेते हैं हरों का, हरों का क्या निकालना होता है, मस निकालना होता है, हरों का मस, क्योंकि सूत्र में है भिन्नों का लस बराबर अंशों का लस बटे हरों का मस। तो हरों का मस निकाल लिए, हर क्या है, दो है, तीन है, छः है और चार। अब इसका मस हमने निकाला तो मस क्या कहता है, सबसे छोटी संख्या पाओ, देखो क्या सबसे छोटी संख्या काट पा रही है। हमने देखा कि सबसे छोटी संख्या क्या है, इसका काट नहीं पा रही है, दो जो है इसका। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये सबको नहीं काट पाएगी, तो जब नहीं काट पा रही तो इसका मस क्या हो जाएगा, एक। ट्रिक के अनुसार अगर आपको ट्रिक नहीं आ रहा है तो देखिए यहाँ हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ना, दो हो गया, तीन हो गया, छः हो गया और ये हो गया चार हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा दो तीन छः चार, दो तीन छः चार, है ना। दो से कटेगा, दो इक्का तीन, तीन कटने वाला नहीं है, दो तिहाई छः हो जाएगा, दो दूनी चार हो जाएगा। अब हमें काट करना क्या है भाई, दो से फिर काट लीजिए, ये तीन तीन रहेगा, ये एक रहेगा। अब तीन से काटिए, एक एक आ गया, है ना, ये सब हो गया। तो इसमें कोई एक ऐसी संख्या है जो सभी को काट रही, नहीं काट रही, तो जिसका गुणनखंड कुछ ना हो उसका गुणनखंड एक होता है। अब हम ये कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि इनका जो हमारा भिन्नों का लस होगा, इतने इतने का लस बताना है, तो हम कह सकते हैं इसलिए एक बटे दो, दो बटे तीन और पाँच बटे छः तथा तीन बटे चार का लस बराबर, लस बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र क्या होता है, अंशों का लस है। तो हम कहेंगे अंशों का लस जो है, अंशों का लस
और बटे क्या हो जाता है, हरों का, हरों का मस। और हरों के अगर मस की बात करें और अंशों के लस की बात करें तो लस क्या आ गया, 30। ये देखिए लस अंशों का 30 आया, हरों का मस क्या आया, हरों का मस 1 आया, तो 30/1 या हम कह सकते हैं ये आ गया 30। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये एक सवाल हमने बता दिया है, ठीक है, किस पर, भिन्नों के लस पर। हमें एग्जांपल दिया गया 1/2, 2/3, 5/6, 3/4 का लस ज्ञात करना है। हमने देखा कि ये भिन्नों का पूछ रहा है, जैसे अभी तक हमने सिंपल बताया है उस प्रकार से नहीं पूछा गया, सिंपल जो है साधारण अंकों का, ये भिन्नों का पूछ रहा है। तो भिन्नों के लिए हमें सूत्र पता है, सूत्र क्या है, भिन्नों का जब लस कहे तो अंशों का लस बटे हरों का मस हो जाता है। और फिर उसी प्रकार से हमने अंशों का लस निकाला, हरों का मस निकाला, फिर सूत्र में रख दिया अंशों का लस बटे हरों का मस, लस निकला था 30, मस आया था 1, 30/1 अर्थात 30 ही हम कह सकते हैं हमारा ये उत्तर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं भिन्नों के मस पर। एक हम मस पर सवाल देख लेते हैं, अब इस सवाल पे भी बात कर लेते हैं। देखिए एक सवाल दिया गया है, ठीक है, ये सवाल दिया गया है और कहा इसमें गया है 14/33, 42/55, 21/22 का मस ज्ञात करना है। तो अगर हमें मस ज्ञात करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि हम देखेंगे कि ये भिन्न हैं, ये क्या है, ये सभी संख्याएं जो है भिन्न दी गई हैं, 1, 2, 3 भिन्न गया है। अच्छा, इन भिन्नों का मस ज्ञात करना है तो सूत्र हमें पता है मस का, भिन्नों का मस बराबर अंशों का मस बटे हरों का लस। तो पहले अंशों का तो मस निकाल लें, तो अंशों का अगर हमें मस निकालना है तो अंशों का मस क्या है, अभी तो हम देखेंगे कि अंश क्या है। तो भाई 14 हो गया, 42 हो गया और क्या हो गया, 21। अब इनका हम निकाल लेते हैं पहले मस है, तो 14, 42, 21 का मैंने क्या कहा, सबसे छोटी संख्या हो 21, 21 काट रहा है क्या, 14 काट रहा है, सबको नहीं काट पाएगा, 14 का फैक्टर लिख लो, 14 का फैक्टर 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अगर इसका निकालेंगे मस है तो आएगा 7, आप गणना कर लेंगे, मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रिकी जान जा रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि देखिए एक ट्रिक देख लीजिए फिर से, ट्रिक ये कहता है जैसे अगर हमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का जो है निकालना है मस, तो हम सबसे छोटी संख्या पाएंगे और ये देखेंगे क्या ये छोटी संख्या सबको काट पा रही है, नहीं काट पाएगी, 42 को काटेगी, 21 को नहीं, तो इसको हम बड़े की तरफ से इसके क्या लगते हैं फैक्टर, 14 को काटने वाली संख्या खुद 14 होगी और उसके बाद क्या होगी 7 होगी, फिर उसके बाद क्या होगी ये हो जाएगा 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। तो बड़े की तरफ से हम लिखते हैं और फिर यहाँ बड़े की तरफ से हम ये देखते आते हैं कि सबसे बड़ा वाला वो फैक्टर इसका 14 का फैक्टर कौन सा है जो सबको काट पाएगा, 14 इसको भी काट पा रहा है, 7 को इसे भी काट पा रहा है, 21 को भी और 42 को भी। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है किसका मस ये है। अब बात आ जाती है सूत्र में, एक चीज़ और ज्ञात करना है हरों का लस, तो हम कह सकते हैं हरों का लस, जब हरों का हम लस निकालेंगे तो हर कौन कौन से हैं, 33 है, 55 है और क्या है 22 है। अगर हमें 33, 55, 22 का अगर हमें लस निकालना है तो हम ये देख सकते हैं, लस निकालने की विधियां आप बहुत पढ़े हैं, ट्रिक पढ़े हैं, कुछ भी पढ़े हैं, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें तो लस जो आएगा वो आ जाएगा 330, इसका आ जाएगा 330 आ जाएगा, आप गणना करके देख लेंगे। तो हम अब कह सकते हैं ना कि भिन्नों का मस बराबर भिन्नों का मस अर्थात हम किसका कहेंगे 14/33 और कह दिया है 42/55 और फिर वहाँ कहा गया 21/22 का मस बराबर क्या हो जाएगा अंशों का मस, तो मस हमारा क्या आया 7 बटे हरों का लस, लस मैंने जो है ट्रिक से देखा है, आप ट्रिक से जल्दी से ज्ञात कर सकते हैं, 330 आया है, है ना। ऐसे कंडीशन में हम ट्रिक लगा लेते हैं, नहीं तो जब हमें डिस्क्रिप्टिव मेथड कहता है तो डिस्क्रिप्टिव मेथड लगाएंगे, या फिर आप बगल में ही कहीं आप इसका जो है 33, 55 और 22 का ऐसे आप गणना कर लेंगे, तो 11 से हम ज्ञात कर सकते हैं इसे, 11
33, 11, 55, अब 11 दूना 22, तो ये हो जाएगा 2, हो जाएगा 3, हो जाएगा 5, हो जाएगा। तो इस प्रकार जब हम गणना करेंगे तो ये 330 आ जाएगा। हाँ, और हमारा अभीष्ट उत्तर भी यही हो जाएगा कि 7 बटे जो है 333 होगा, किसका 14/33, और इन सब का मस। तो चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पर कि जो है हमने क्या सीखा। तो हमने ये जाना कि मस और लस ज्ञात करने की विधियाँ कितनी हैं और उन विधियों को लगाने के तरीके क्या हैं। कुछ इबारती प्रश्न को भी हमने सीखा कि इन इबारती प्रश्नों में किस प्रकार से हमें ये जानना होता है कि हमें ज्ञात क्या करना है। जैसे कि अभी जो है मैं ये बता दिया आपको, बताया कि जो है किसी भी प्रश्न को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो उसे एक बार पढ़ो, दो बार पढ़ो, तीन बार पढ़ो। आपको तीन बार पढ़ते ही आपके आधे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।